कई बच्चों को ये रहता है कि सर फिजिक्स की एनसीईआरटी करनी है या नहीं करनी है, कई बच्चों को डाउट रहता है। एनसीईआरटी फिजिक्स का बहुत बड़ा बवाल है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बड़ा बवाल है। गाइडेंस तो दुनिया में बहुत लोग देते हैं और वो सच भी है और सही भी है। प्रॉब्लम गाइडेंस पाने की नहीं है, गाइडेंस को फॉलो करने की है। वो विल चाहिए होती है कि आपको सही में जो चीज बताई गई है आप उसको फॉलो करें। अगर आप फॉलो ही नहीं करेंगे तो आपके पास ऐसे बहुत सारे पड़े होंगे, लिटरली बता रहा हूँ। आप अभी टेलीग्राम पर जाके हजारों चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। कई बच्चों के पास एच सी वर्मा बुक, उनको नाम भी नहीं पता, अगर नाम नहीं पता तो एच सी वर्मा बुक, ऑल्दो पायरेसी ये सब सारी चीजें गलत बात है, लेकिन ठीक है यार, एच सी वर्मा सर इस चीज के लिए बुरा नहीं मानेंगे, बच्चों का फायदा ही होगा। जो बुक नहीं खरीद सकते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। कई बच्चों को ये रहता है कि सर फिजिक्स की एनसीईआरटी करनी है या नहीं करनी है, कई बच्चों को डाउट रहता है। एनसीईआरटी फिजिक्स का बहुत बड़ा बवाल है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बड़ा बवाल है। मैथ्स की अगर आपने एनसीईआरटी देखी हो और मैथ्स का आशीष सर का कंटेंट अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ये क्या है भाई। अगर आप मेरे से पढ़े या किसी भी फिजिक्स के टीचर से पढ़े और आज जब आप एनसीईआरटी लगाने जाएंगे तो आप कहोगे भाई बड़ा गैप है। अब बात यह है कि फिजिक्स की जो थ्योरी आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है दैट इज अ रेलेवेंट पॉइंट, कि आपके एग्जाम और स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के अराउंड हम लोगों ने थ्योरी बना दी और थ्योरी को कंप्लीट है। ये नहीं है कि कुछ छूट रहा है, थ्योरी कंप्लीट है लेकिन वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। एनसीईआरटी मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट उसके कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा एक चीज बस लेने के लिए, दैट इज पीवाईक्यूज। आपको ये पीवाईक्यूज की बुक, अब पीवाईक्यू क्या है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किसी भी एनी पब्लिकेशन, आपका इसमें भी घटिया घटिया डाउट बना लेते हैं, एनी पब्लिकेशन की आप बाय कर लीजिए। बाय तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है सर हम इसको कहीं से डाउनलोड कर लें, यस आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट पे से, लेकिन वही बात है जब किताब सामने होती है और पीडीएफ सामने होता है दोनों में डिफरेंस होता है, तो आपको ये बाय करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसी कॉस्ट में मॉड्यूल आ जाएंगे तो आप मॉड्यूल भी कर सकते हैं, वट एवर योर डिसीजन। किताब है ना वो, क्वेश्चन तो पीवाईक्यू पास्ट ईयर के चेंज थोड़ा कर देंगे, वो सेम है भाई, सेम है। आपको जो सस्ती पड़े जो बेटर लगे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ होती है जिनमें 10 साल के क्वेश्चन होते हैं, किसी में 20 साल के, किसी में लास्ट 45 ईयर, ऐसे होते हैं, तो आपको जो बेटर लगता है आपकी पॉकेट फ्रेंडली के हिसाब से जो है आप उसको ले सकते हैं। इसके लिए अगर आप टेलीग्राम का यूज करना चाहें तो मैं आपको इजाजत दे सकता हूँ टेलीग्राम में बहुत जगह पे, क्योंकि मेरे पास भी, टू बी वेरी ट्रू, मेरे पास भी पीडीएफ में ही है, क्योंकि मेरे को तो भाई स्क्रीनशॉट लेके टाइप कराने होते हैं, लेकिन आपका फायदा पीडीएफ से नहीं चलेगा, लिटरली बता रहा हूँ। नहीं मार्क कर पाओगे वो क्वेश्चन जो गलत हुए, नहीं मार्क कर पाओगे उनको, उनको आंसर चेक करने के लिए बार बार पीछे जाके नहीं हो पाता, वो फ्लो नहीं बनेगा, एक स्टूडेंट का फ्लो नहीं बनेगा। सेकंड हैंड भी ले सकते हैं, पर सेकंड हैंड में नुकसान ये होगा कि रीसेंट ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं मिलेंगे, तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एडिशन, जैसी अभी ये आपका ये वाला अटेम्प्ट हो जाएगा फिर इसके बाद जो नई पब्लिकेशन आएगी इसमें इस साल के भी क्वेश्चन जुड़ जाएंगे, फिर आप ले लीजिए। और अगर आपको और भी कोई ऐसी चीज है जो जेन्युइन है, अगर आपको पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको गाइड कर सकता हूँ। आपको फायदा तब मिलेगा जब वो आपके हाथ के होंगे, लिटरली बता रहा हूँ, जब आप उससे रिवाइज करेंगे तो 19 लेक्चर्स का एक एक घंटे में रिवीजन।